सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। नाज़रीन किराम आदाब, मौजूद हैं चैनल मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान नक्शबंदी जरा खतीब कालाकोट हैं, तो उन्होंने खुश आमदीद कहा कि चैनल तशरीफ़ फरमाया भी। तो इनकी बात एक दसवां सवाल है कि हज़रत नमाज असर जिसना हम कहेंगे दीगर की नमाज, दीगर की नमाज तो बाद नफर नमाज क्या पढ़ी जा सके या इसको की हुक्म है? नहीं पढ़ी जा सकती ग़ुरूब आफ्ताब तक। अच्छा, तो उसमें कज़ा को की हुक्म है? अगर उसे दिन में कज़ा है सूरज डूबता डूबता भी पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, कज़ा को हुक्म ही नहीं है। अच्छा, इसमें साहिब तरतीब वालों मसलों भी नहीं आ लो? साहिब तरतीब वही आज ही की दीगर अगर कज़ा होने लगी है। अच्छा, तो वही मसलो रहेगा कि उसने सूरज ग़ुरूब होता होता भी पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, अगर उससे अगली का कज़ा है तो फिर वह उस पर नहीं होने लगी सूरज ग़ुरूब होते बाद ही में। अच्छा, ये तो कज़ा का मसलो नफर की नमाज के बाद ग़ुरूब तक कोई नफल जायज़ नहीं है। अच्छा, फिर मगरब के बाद नफल पढ़ सके? हाँ बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, तुमने कोई भी शरी मसलो अगर पूछना पाए तो हज़रत साहब को नंबर भी तुमने हम दस छोड़ा 88032 42 886। तो मैंने फ़ोन करके भी मज़ीद शरी रहनुमाई किसी किस्म के भी तुमने कोई सवाल विरासत का तल्लक नाल है, नमाज का तल्लक नाल है, खतमा शरीफ का तल्लक नाल है, दीगर बहुत सारे मसायल जोड़ा है हमारा माशरा में गलत रस्म रवाज भी हैं, उन्होंने जानकारी मजीद हासिल करने वास्ते तुम इस नंबर पर ही राबता कर गए तो हज़रत साहब को मजीद रहनुमाई हासिल कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम।